अजीत दादा पवार की पूरी राजनीति हमेशा जनता से जुड़कर काम करने की रही है। हालात कुछ भी हों, INDIA किसी को भी अपना चेहरा बनाए, हम लोग पूरी तौर से NDA के साथ हैं और हम पूरी शक्ति के साथ फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी शक्ति से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी काम करेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो पार्टी के नेता हैं उन लोगों ने ये फैसला लिया था कि हम लोगों को आज देश की ज़रूरत को देखते हुए हमें एक ऐसे नेता के साथ जाना चाहिए जिसके पास देश के विकास का एक विस्तारित ब्लूप्रिंट। वो एक ही बात कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को हटाओ। तो नरेंद्र मोदी जी को हटाना तो इस देश के विकास का सलूशन नहीं हो सकता ना। उनको ये बताना चाहिए कि वो किस प्रकार से इस देश के विकास की बात करते हैं, किस प्रकार से इस देश के उत्थान की बात करते हैं। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव। सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में सरगर्मी तेज हो गई है, उनका क्या कहना है। सर क्या कहेंगे, पहला सवाल मेरा आपसे है कि एक पार्टी दो गुट बट गए, चाचा भतीजे की लड़ाई 2024 में कितना कारगर साबित होगा या जनता के बीच में फेलियर। देखिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो पार्टी के नेता हैं उन लोगों ने ये फैसला लिया था कि हम लोगों को आज देश की ज़रूरत को देखते हुए हमें एक ऐसे नेता के साथ जाना चाहिए जिसके पास देश के विकास का एक विस्तारित ब्लूप्रिंट हो। क्योंकि आज हमारी जनसंख्या 1,40,00,000,000 है, अब से 25 साल बाद हम लोगों की जनसंख्या लगभग करीब 1,70,00,000,000 के आसपास हो जाएगी। तो ये जो 30,00,00,000 लोगों का इजाफा होगा, इनके लिए किस पार्टी के पास, किस नेता के पास प्रोविजन होगा, विजन होगा, प्लानिंग होगी। हमको ऐसे लीडर के पास, ऐसे लीडर के साथ काम करना चाहिए। इस कसौटी पे जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उस कसौटी में हम लोगों को ऐसा लगा कि ये दृष्टि, ये विजन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास है। और हमारी पार्टी में इस मुद्दे पर लगातार चर्चा भी चल रही थी, कुछ नेता इससे सहमत नहीं थे, उसमें हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं जो इससे असहमत थे। तो हमारी पार्टी में इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी के अंतर्गत हमारे कुछ नेताओं ने जो असहमति व्यक्त की है वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन पार्टी का रैंक एंड फाइल, पार्टी का एक बड़ा तबका, पार्टी के सारे कार्यकर्ता एक साथ अजीत दादा पवार और प्रफुल्ल पटेल साहब के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इसको ये कहना तो शायद ठीक नहीं होगा कि पार्टी में बंटवारा हुआ है, पर यह बात भी सच है कि हमारे इस फैसले से कुछ लोग असहमत हैं। कोशिश करेंगे उनको सहमत करने की, अगर नहीं होंगे तो भी हम लोग पूरी शक्ति के साथ एनडीए का एक एनडीए के मुख्य साथी के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का वर्तमान नेतृत्व एक अच्छा नेतृत्व देश को दे पाएगा। सवाल यह है कि NCP के अंदर कभी एक एजेंडा हुआ करता था, शरद पवार जी का हो या अजीत पवार जी का, लेकिन अब वही NCP दो हो गई है, नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो अजीत पवार का अब क्या एजेंडा है जनता के बीच में? देखिए, अजीत दादा पवार का अभी से नहीं, अजीत दादा पवार की पूरी राजनीति हमेशा जनता से जुड़कर काम करने की रही है। और यही कारण है कि अजीत दादा पवार का अपना व्यक्तित्व महाराष्ट्र में आप किसी से पूछ लीजिए, अजीत दादा पवार एक ऐसे नेता के रूप में सामने आते हैं जिनसे कोई भी आदमी अपनी समस्या के लिए कभी भी मिल सकता है और वो उसकी समस्या के साथ हमेशा अपने आप को जोड़कर उसकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। ये तो उनका एक ये है उनका कार्यकर्ता या जनता से मिलकर काम करने का। दूसरा, जहाँ तक बात प्रोग्राम की है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बहुत ही स्पष्ट प्रोग्राम है। हम लोग सेकुलर पार्टी हैं, हम लोग सभी धर्मों, सभी जातियों के उत्थान की बात करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र का ही नहीं पूरे देश का एक ऐसा विकास हो जिसमें हम हर आदमी अपना चेहरा देखे और हर आदमी को ये विश्वास हो कि उसको उसका अधिकार मिलेगा। इसी और ये लंबी लड़ाई है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये काम कोई एक या दो दिन में हो सकता है। ये सारे राजनीतिक दलों को और सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इसके लिए कोशिश हमेशा करनी चाहिए और वही कोशिश हम लोग भी करते हैं और वही कोशिश आदरणीय अजीत पवार साहब भी करते हैं। 2024 चुनाव जो है चरम पर है, ऐसे में दो NDA और INDIA जो दो खेमा बना है, इस एक खेमे में तो NCP है और दूसरे खेमे में भी NCP है जिसका नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि चाचा भतीजे आमने सामने होंगे तो चुनौती होगी? देखिए,
अगर मैं कहूँ तो आमने सामने तो हैं, इससे तो इनकार नहीं कर सकते। और चूंकि आमने सामने और हम लोग एनडीए के एक प्रमुख घटक के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं और वो लोग INDII के साथ है, तो ये बात तो सच है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तो है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपने उद्देश्यों से पीछे हट जाएं या हम अपने कार्यक्रमों से पीछे हट जाएं। हम लोग अपनी पूरी शक्ति के साथ नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग पूरी शक्ति के साथ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता काम करेगा। ये बात अलग है कि कुछ नेता INDII के साथ है तो उनकी वहाँ पे जो भूमिका INDII के साथ ही तय करेंगे वो उस हिसाब से काम करेंगे। अंतिम सवाल, आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत उन्होंने ये बताया कि जनता का जो सीधा पैसा है वो अब अदानी के जेब में जाएंगे और अदानी को बचाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। देखिए, ये आरोप तो वो पिछले एक लंबे समय से लगा रहे हैं आदरणीय राहुल जी, और इसके ऊपर कई जांच भी हो चुकी है, कोर्ट तक मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया है और सभी जगह से उनको नकारात्मक उत्तर मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको सलाह तो नहीं दे सकता, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मेरे को ऐसा लगता है कि इस मौके पे INDII को ये बताना चाहिए देश को कि वो जो वोट मांग रहे हैं या जो कहते हैं कि हम अगर सरकार में आएंगे, हम सरकार में आना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको ये बताना चाहिए कि देश के लिए उनके पास प्रोग्राम क्या है, क्योंकि अभी तक वो ये नहीं बता पाए कि इतने बड़े देश के लिए, इतने बड़े देश के विकास के लिए जिसमें हमारे इतने नौजवान हैं, इतने हमारे महिलाएं और बच्चे हैं, तो उनको वो भविष्य के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं। वो एक ही बात कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को हटाओ। तो नरेंद्र मोदी जी को हटाना तो इस देश के विकास का सलूशन नहीं हो सकता ना। उनको ये बताना चाहिए कि वो किस प्रकार से इस देश के विकास की बात करते हैं, किस प्रकार से इस देश के उत्थान की बात करते हैं। कोई उनको वोट क्यों दे? सिर्फ अगर वो वोट इसलिए मांगते हैं कि मोदी जी के खिलाफ वोट चाहिए, तो मैं सोचता हूँ इस देश की जनता इस मामले में बहुत ही समझदार है। वो सिर्फ इस बात पे वोट नहीं देगी उनको कि मोदी जी को हटाना है, उनको प्रोग्राम देना पड़ेगा, वो उनके पास नहीं है। तो चूंकि वो कोई प्रोग्राम उनके पास नहीं है, तो उनको देश के दो तीन वो लोग दिखते हैं जिनके बारे में उनको कहना आसान लगता है, उन्हीं की वो बात कहते हैं। अच्छा, चलिए चलते चलते एक छोटा सा सवाल और ले लेता हूँ मैं आपसे। INDII जो गठबंधन है, अभी तक चेहरा क्लियर नहीं हुआ है कि पीएम फेस कौन होगा। ऐसे में अगर शरद पवार जी को पीएम फेस बना दिया जाए तो अजीत दादा पवार के लिए क्या चुनौती होगा, ये पुरजोर किस तरीके से वो मार्केट आएंगे समाज में? देखिए, मैं ये तो नहीं जानता कि INDII किसको अपनी पार्टी का चेहरा बनाएगा, लेकिन मैं एक बात नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ, हालात कुछ भी हों, INDII किसी को भी अपना चेहरा बनाए, हम लोग पूरी तौर से NDA के साथ हैं और हम पूरी शक्ति के साथ फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी शक्ति से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी काम करेगी। चलिए शुक्रिया, ये थे मेरे साथ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव, जिन्होंने बखूबी सभी सवाल के जवाब बेतौर दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज, दिल्ली। नमस्ते, मैं हूँ मोनिका रावन और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए उदय भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि देश दुनिया की सारी खबरें आप तक पहुँचे सबसे पहले। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।